नमस्कार स्टूडेंट्स, हम जेईई मेन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। इसी कड़ी में हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक लेकर आए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक से जो जेईई मेन में 2019 के जनवरी और अप्रैल के स्लॉट में आए थे और 2020 के जनवरी स्लॉट में आए थे, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एट ए डिस्टेंस एच फ्रॉम इट्स सेंटर, द वैल्यू ऑफ एच। देखिए, ये रिंग है, इसकी रेडियस आर है, इसकी एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मैक्सिमम है तो उस केस में आप कह सकते हैं डी ई बाई डी एक्स शुड बी जीरो, और जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो यू बाई वी मेथड से हो जाएगा। यू एक्स है, वी ये रहा, तो यू बाई वी में क्या करते हैं, अपन वी को रोक लेते हैं, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2, एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, माइनस एक्स रुक जाएगा, इसको ऊपर ले जाकर इसका डिफरेंशियल करेंगे, क्या हुआ 3/2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर का जीरो और एक्स स्क्वेयर आर स्क्वेयर का जीरो और एक्स स्क्वेयर का 2x बाय इसका स्क्वेयर हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3 इक्वल टू क्या होगा जी। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, इधर लिख लेते हैं अपन। देखिए, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ऐसे ही आ जाएगा, थोड़ा इधर देख लीजिए इसको, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 डी एक्स का 1 हो गया, यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा माइनस 3x² आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 1/2 इक्वल टू जीरो। ये कॉमन आ रहा है यहां से, तो आपके पास क्या बचेगा इसके कॉमन आने के बाद, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 कॉमन आया, या 3/2 में से 1 पावर बच जाएगी, तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और माइनस 3x² इक्वल टू जीरो। तो आप इससे सिंप्लीफाई करेंगे 2x² इक्वल टू आर स्क्वेयर, तो x की वैल्यू प्लस माइनस r बाय रूट 2 आ जाएगी, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 चार्ज प्लस क्यू क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली एट ए डिस्टेंस 0d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द x एक्सिस, इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस क्यू placed at x equal to 0 is 0, then the value of q। देखिए, सिंपल, आपके पास तीन चार्जेस हैं, एक चार्ज आपके पास यहाँ था प्लस q, दूसरा चार्ज q यहाँ था जो d by 2 डिस्टेंस पर है, और तीसरा चार्ज यहाँ था प्लस q जो d डिस्टेंस पर है, इस पर नेट फोर्स 0 हुआ है। देखिए, दोनों के कारण फोर्स क्या लगा, 1 के कारण इधर को, 2 के कारण भी इधर को, ये वन नंबर था, ये 2 नंबर, इन दोनों का रिजल्टेंट 0 होगा, तो कैसे होगा, देखिए F1 प्लस F2 इक्वल टू 0 है, आप लिख सकते हैं F1 इक्वल टू माइनस F2, F1 किसके कारण, Q के कारण है, तो कितना हो गया K Q Q बाय D बाय 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस K Q स्क्वेयर बाय D स्क्वेयर, आपके पास इसको कैंसिल आउट करने के बाद ये आपके पास ऊपर जाएगा, क्या रिजल्ट आया, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू, डी स्क्वेयर से डी स्क्वेयर कैंसिल, तो 4q इक्वल टू माइनस क्यू आ जाएगा, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्यू बाय 4 रिजल्ट आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर विद ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर इक्वल टू ए बाय आर स्क्वेयर ई रेज टू पावर -2r/a वेयर ए एंड ए आर कॉन्स्टेंट, इफ क्यू इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द रेडियस आर इज। देखिए, आपसे रेडियस पूछी है,
तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, खाली पेज ले लीजिए। मैं आपके पास इसने दिया है कि एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी रेडियस आर है, उसके अंदर चार्ज की जो डेंसिटी दी है आपको, वो डेंसिटी क्या दी है आपको, डेंसिटी दी है रो आर इक्वल टू ए बाय आर स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस टू आर बाय ए दिया है, राइट। मान लीजिए आपके पास ये कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, इसके सेंटर से डिस्टेंस के साथ डेंसिटी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। हम इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पर एक एलिमेंटल पार्ट लेते हैं, इस एलिमेंटल पार्ट की थिकनेस आपके पास, एक स्फेरिकल पार्ट लिया है आपने, ये इसकी थिकनेस आपने डी आर ले रखी है, ओके ये डी आर थिकनेस का एक स्फेरिकल शेल लिया है आपने। आपको पता है यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है आपके पास वो कितना दिया है, इसकी थिकनेस कितनी है हमने ली, डी आर ली है। तो इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी वी इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया और डी आर इसकी थिकनेस। आपको इसका चार्ज पता करना है, तो इसका चार्ज डी क्यू क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी आपके पास क्या थी, ए बाय आर स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस टू आर बाय ए और फोर पाई आर स्क्वायर डी आर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू इक्वल टू फोर पाई ए ई रेज टू पावर माइनस टू आर बाय ए इन टू डी आर। अब देखिए ऐसे एलिमेंटल पार्ट आप जीरो से लेकर आर तक ले सकते हैं, हम टोटल चार्ज के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहेगी आपके पास, फोर पाई ए इंटीग्रेशन की लिमिट है जीरो टू आर ई रेज टू पावर माइनस टू आर बाय ए डी आर। आपको पता है कि इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, e रेज टू पावर ए एक्स बाय ए होता है, ओके मेरे पास r के रेस्पेक्ट है तो a की जगह माइनस टू बाय ए है, तो मेरे पास जब लिमिट आएगी इसका रिजल्ट क्या आ गया, q इक्वल टू फोर पाई ए रेज टू पावर माइनस टू आर बाय ए ओवर माइनस टू बाय ए फ्रॉम जीरो टू r। इसको मैं बाहर लूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस टू से फोर कैंसिल, पाई ए ए इंटू अपर लिमिट आर रखेंगे ई रेज टू पावर माइनस टू आर बाय ए और माइनस लोअर लिमिट जीरो हो जाएगी। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया यहां से, यहां से आपके पास क्यू का रिजल्ट आ जाएगा, क्यू इक्वल टू ये माइनस को मैं इस माइनस को अंदर लेकर जाऊंगा ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, तो टू पाई ए ए वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टू आर बाय ए। आपने इसकी वैल्यू निकालनी थी तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, आपके पास क्या बचा, क्यू बाय टू पाई ए ए इक्वल टू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टू आर बाय ए। हमारे पास इसको मैंने फिर रीअरेंज किया यहां से तो मेरे पास क्या आ गया, उस केस में जब इसको रीअरेंज किया हमने तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, ई रेज टू पावर माइनस टू आर बाय ए इज इक्वल टू वन माइनस क्यू बाय फोर पाई ए ए। क्लियर। अब देखिए ये माइनस है, इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, ई टू ए बाय टू आर बाय ए इक्वल टू वन बाय वन माइनस क्यू बाय फोर पाई ए ए। तो इसका ई को हटाएंगे तो लॉग लेंगे, लॉग लेने पर क्या आ गया, टू आर बाय ए इक्वल टू लॉग वन बाय
वन माइनस क्यू बाय फोर पाई ए ए। क्लियर। अब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आर इक्वल टू ए बाय टू लॉग, बेस ई है इसका, वन बाय वन माइनस क्यू बाय फोर पाई ए ए, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। अब वापस क्वेश्चन पर आएं अगर, तो आपके पास क्या रिजल्ट होगा इसका, क्वेश्चन पर आएं, मैं ऑप्शंस एक बार ऑप्शंस देखिए इसके क्या थे, a बाय टू लॉग वन बाय वन माइनस क्यू बाय फोर पाई ए ए है, यहां पर क्या आ रहा है टू पाई ए ए आ रहा है, सॉरी फोर पाई नहीं था ये टू पाई ही था, वापिस आए इधर, हमने जब यहां से कॉमन लिया था ये टू से फोर कैंसिल हो गया था, ये टू ही पाई था, ये टू इससे कैंसिल हो जाएगा, ये मिस्टेक होगी, आप ये टू ले लेना, ओके ये टू ही रहेगा, ये टू आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए इसमें रिजल्ट क्या आ गया, ए बाय टू लॉग वन माइनस, सॉरी ए बाय टू लॉग वन बाय वन माइनस क्यू बाय टू पाई ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी उसको आप चेक कर लेना, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, टू पॉइंट चार्ज रूट टेन एंड माइनस ट्वेंटी फाइव माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू वन मीटर एंड एक्स इक्वल टू फोर मीटर रेस्पेक्टिवली, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट वाई इक्वल टू थ्री ऑन वाई एक्सिस इज, टेक वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट नाइन इंटू टेन रेज टू पावर नाइन। तो वेक्टर फॉर्म में पता करना है इस केस में क्या होगा। देखिए आपको क्या क्या दिया है, आपको दे रखा है कि दो चार्ज हैं जिनको एक्स के अलोंग दिया हुआ है, एक को एक्स इक्वल टू वन पर दिया है, ये वन मीटर है आपके पास, और उसके लिए आपके पास वैल्यू है इसकी रूट टेन माइक्रो कूलम। दूसरे चार्ज को यहां से फोर मीटर पर दिया है, ये दूसरा चार्ज है जिसकी वैल्यू माइनस ट्वेंटी फाइव माइक्रो कूलम है। आपको इस पॉइंट पर पता करना है जो थ्री मीटर पर है, राइट। अब आपको इसको वेक्टर फॉर्म में पता करना है, तो देखिए आपके पास इस फर्स्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, ये इवन वेक्टर है आपके पास, इस इवन वेक्टर के लिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। इस इवन की वैल्यू देखें, ये वन है ये थ्री है, तो ये वैल्यू कितनी है रूट टेन मीटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है के क्यू बाय आर स्क्वेयर होता है, तो के क्यू बाय आर स्क्वेयर इनकी वैल्यू आपको पता है क्या हो गया, इवन इक्वल टू के क्यू, के कितना है नाइन इंटू टेन डेज टू पावर नाइन, क्यू क्यू कितना है रूट टेन इंटू टेन डेज टू पावर माइनस सिक्स ओवर रूट टेन का स्क्वेयर। क्लियर। उसके बाद देखिए अगर आप यहां से इसका रिजल्ट देखते हैं तो ये कैंसिल होने के बाद कितना बचा, 900 इंटू रूट टेन आ जाएगा, क्योंकि ये भी 10 होगा, तो ये इतना आया, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे आप, इवन वेक्टर इक्वल टू इवन, इवन कितना है 900 रूट टेन, एक्स कंपोनेंट होगा नेगेटिव में और वो क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा क्या है यहां से, ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, तो माइनस वन बाय रूट टेन आई कैप। क्लियर। और ये कॉस थीटा होगा वाई में जो पॉजिटिव होगा, और कॉस क्या होता है बेस बाय, तो आपके पास क्या आ गया प्लस थ्री बाय रूट टेन इंटू जे कैप, तो ये टेन रूट टेन कैंसिल हो गया, इवन वेक्टर आपके पास क्या आ गया 900, इसे 9 इंटू टेन डेज टू पावर 2 माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप लिख सकते हैं, ओके okay? या आप ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस 9 आई कैप और प्लस 27 जे कैप इंटू टेन डेज टू पावर 2 न्यूटन पर कूलम। अब देखिए सेकंड केस, देखिए
सेकंड में आपके पास चार्ज -25 है, -25 के लिए देखें अगर अपन, तो ये आपके पास डिस्टेंस हो गई, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हो गया 5 मीटर। ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगा, जिसका ये एंगल अल्फा है। ओके, तो यहां से आपको क्लियर दिख रहा है इस एंगल के लिए कि साइन अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 4/5, और कॉस अल्फा क्या है, बेस कितना है 3/5। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहां से अगर मैं वैल्यू देखता हूं तो E2 इक्वल टू क्या है, के इंटू क्यू, क्यू कितना है 25 × 10⁻⁶ ओवर डिस्टेंस क्या है 5 का स्क्वायर 25 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 × 10⁻³ आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए जब E2 वेक्टर देखते हैं अपन, तो E2 वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, E2 वेक्टर इक्वल टू 9 × 10⁻³। यहां से x का कंपोनेंट क्या होगा, इससे x का कंपोनेंट ये होगा, जो क्या होगा इस अल्फा के लिए, ये E2 साइन अल्फा होगा। तो आप लिख सकते हैं साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या है 4/5 i कैप। ओके, 4/5 i कैप, और माइनस कॉस के लिए क्या हो गया 3/5 j कैप। आप क्या करें, इसमें से एक 10 को अंदर ले जाएं, 10 अंदर जाते ही 10/5 2 हो गया, 10/5 2 हो गया, तो आपके पास क्या होगा 9 × 10⁻² इंटू 2 × 8 i कैप और -6 j कैप। दोनों में देखो ये कॉमन आ रहा था आपके पास, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इनको ऐड कर देंगे, वेक्टर सम करेंगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का। जब वेक्टर सम होगा आपके पास, तो देखिए 9 × 10⁻², दोनों में कॉमन है, इसको भूल जाओ एक में। ओके, तो क्या है 9 × 10⁻², +2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचता है यहां से -i + 8i, तो +7i, यहां से क्या बचा 3i - 3j, -6, तो माइनस का क्या बचा 3, तो आप अब इसको लिख सकते हो 63 i कैप -27 j कैप × 10⁻²⁺ N आ जाएगा, या आपके पास वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। देखिए क्या आया इसका आंसर, सॉरी क्वेश्चन पर आते हैं, आपके पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, -63 और +63 और -27, +63 और -27, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है। ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल A, B, and C. A is greater less than B is less than C such that their surface charge density are equal to one another. The total potential at a point at a distance R from their common center which is less than A would be. देखिए आपको उसने concentric spherical shell दिए हैं, ये 3 shell हैं, और उसने कहा है कि इन पर चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि इनकी डेंसिटी सेम है, इनके सेंटर से एक पॉइंट है पी जिसकी डिस्टेंस आर है, जो इसने बताया है कि इसकी रेडियस ए, इसकी रेडियस बी और इसकी रेडियस सी तीनों से कम है। ओके, इसका मतलब सभी के अंदर है, इसकी डेंसिटी भी +सिग्मा है, इसकी भी +सिग्मा है, इसकी भी +सिग्मा है। इस केस में अगर हम यहां से इसके पोटेंशियल की बात करें, किसी भी शेल के चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इनसाइड और सरफेस पर सेम होता है, क्या होता है V = KQ/A। आप इसको लिख सकते हैं 1/4πε0
क्यू को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया, और एरिया क्या है 4πr² / r, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो r से एक r कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या होगा सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब तीनों की डेंसिटी सेम है तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, इस वाले सिग्मा के कारण इसकी रेडियस, इस वाले के कारण इसकी रेडियस, इस वाले के कारण थर्ड की रेडियस, तो आप लिख सकते हो v1 प्लस v2 प्लस v3 ना। ओके, इस केस में आपके पास क्या आया सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट r क्या है a प्लस b प्लस c हो जाएगा। अब उसने कहा है कि चार्ज q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर थ्री सर्फेसेज सच दैट देयर डेंसिटी इज सेम, देयरफॉर द नेट चार्ज q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दीज थ्री कंसेंट्रिक स्फेयर्स q1 प्लस q2 प्लस q3। q1 क्या होगा, यहां पर q1 पहले का चार्ज होगा, उसकी डेंसिटी इंटू उसका सरफेस एरिया q इंटू 4πa² दूसरे के लिए सिग्मा इंटू 4πb² तीसरे के लिए सिग्मा इंटू 4πc। आपके पास क्या आ गया q = 4πσa² + b² + c² इसका मतलब सिग्मा क्या है q/4πa² + b² + c। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट करूं तो मेरे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा की इस वैल्यू को पुट करने पर v = q/4πε₀ a + b + c/a² + b² + c², ये आपके पास नेट पोटेंशियल हो जाएगा। क्वेश्चन पर आइए, आपके पास क्वेश्चन पर क्या दिया था, इसके कारण पोटेंशियल पूछा है, तो देखिए q/a + b + c/a² + b² + c² मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास फोर्थ आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी विद रेस्पेक्टिव डाइपोल मोमेंट -2qa और -4qa आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस विद ए सेपरेशन आर एज शोन इन फिगर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम ए एट विच बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस द सेम पोटेंशियल। देखिए आपके पास दो सरफेस दे रखे हैं, ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट आपको दिया है ए और एक पॉइंट दिया है बी, दोनों पर दो डाइपोल हैं, इस पर इधर को डाइपोल है p₁ = उसकी वैल्यू है 4qa, माइनस आई कैप का मतलब उसकी डायरेक्शन इधर, इस पर क्या है p₂ = 2qa है। अब आपको पता है किसी डाइपोल के कारण एक्सेस पर पोटेंशियल होता है kp/r² होता है, दोनों के कारण सेम होना चाहिए, अगर इधर लोगे तो इसकी डिस्टेंस भी कम है और मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, तो इधर वो पॉइंट पॉसिबल नहीं, तो डेफिनेटली वो पॉइंट इधर पॉसिबल होगा। मान लो वो पॉइंट p है जिसकी a से डिस्टेंस x है और b से डिस्टेंस क्या हो जाएगी x - r, आपको x फाइंड करना है, क्लियर। अब देखिए यहां पर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल क्या होता है kp/r, इसका मतलब p₁/r₁² और = होगा p₂/r₂² क्लियर। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं क्या कि r₂/r₁ = √p₂/p। r₂ क्या है मेरे पास, r₂ मेरे पास x - r है
बाय आर वन क्या था एक्स, तो पी टू क्या है मेरे पास, पी टू मेरे पास है टू क्यू ए और पी वन क्या था फोर क्यू ए का रूट। तो आप इसको अलग अलग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, वन माइनस आर बाय एक्स इक्वल टू वन बाय रूट। आप लिख सकते हैं वन माइनस वन बाय रूट टू इक्वल टू आर बाय एक्स, तो आप लिख सकते हैं रूट टू माइनस वन बाय रूट टू इक्वल टू आर बाय एक्स। तो इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, रूट टू आर बाय रूट टू माइनस वन। अगर ऐसा ना हो तो इसके कंजुगेट से प्रोडक्ट कर लेंगे, रूट टू प्लस वन से ऊपर नीचे, ये नीचे वाला वन बन जाएगा, ऊपर नया रिजल्ट और आ जाएगा क्या, रूट टू प्लस वन आर, जिसे आप टू प्लस रूट टू भी लिख सकते हैं इन टू आर, ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या था, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सारे रिजल्ट रूट टू बाय में आ रहे हैं, तो बाय में रिजल्ट क्या था, रूट टू आर बाय रूट टू माइनस वन था, तो रूट टू आर बाय रूट टू माइनस वन इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवंथ नंबर, ये कह रहा है फोर इक्वल पॉइंट चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन जीरो टू फोर टू फोर माइनस टू एंड जीरो माइनस टू, द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट ए फिफ्थ चार्ज क्यू एट द ओरिजन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी। देखो ओरिजन पर लाकर रखना है, डेफिनेटली कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से। वर्कडन इक्वल टू क्या होता है, जब भी वर्कडन पूछा जाए, वर्कडन इक्वल टू चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, रिक्वायर्ड वर्कडन होता है। और वर्कडन बाय फील्ड जैसे ग्रेविटेशनल हुआ या इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ, तो वो होता है ग्रेविटेशनल के लिए मास इनटू इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल, और इलेक्ट्रिक के लिए चार्ज इनटू इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। अब देखिए मेरे पास इसमें चार पॉइंट चार्ज दिए हैं, एक जीरो टू पर रखा है, राइट, जीरो टू पर, और दूसरा ये रहा जीरो टू, जीरो टू, और दूसरा चार्ज क्या है, ये टू डिस्टेंस है ओरिजिन से, जीरो माइनस टू पर भी रखा है, ये रहा, ये डिस्टेंस भी क्या है टू, एक चार्ज फोर टू पर रखा है, इसके जस्ट सीध में यहां रखा है, और एक चार्ज फोर माइनस टू पर रखा है, मतलब इसके सीध में रखा, राइट, ये आपके पास सारे चार्जेस हैं, और ओरिजिन की बात कर रहा है आपसे, ये आपके पास टू टू, ये फोर है, ये भी फोर। तो देखिए यहां से तीन केसेस बनते हैं, एक तो आपके पास ये हो गया आर वन, ये आपके पास आर टू हो गया, ये आपके पास आर थ्री हो गया, ये आर फोर हो, सभी सेम चार्ज है, आपको ओरिजिन पर पोटेंशियल पता करना है, तो इन दो का सेम होगा, इन दो का सेम होगा, क्या होगा, v इक्वल टू टू, फाइनल v है ये, इनिशियली इन्फाइनाइट पर था जीरो था टू, और इनका वैल्यू क्या हुआ, देखो इसके लिए क्या हो गया, इन दोनों के लिए सेम है, तो क्या हुआ, q बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू, दूसरे के लिए प्लस क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये टू है ये फोर है, ये टू है और ये कितना है फोर है, उस केस में आपके पास इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इनका रिजल्ट निकाल लीजिए। ओके, जब आप इनका रिजल्ट निकाल लोगे यहां से, तो आपके पास क्या आया, टू का स्क्वायर फोर और ये सिक्सटीन, रूट ट्वेंटी, और रूट ट्वेंटी का मतलब टू रूट फाइव, तो आपके पास क्या आ गया, टू रूट फाइव। आप इसको बाहर कॉमन लोगे, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन प्लस वन बाय रूट फाइव आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि वर्क डन बाय ग्रेविटी हो चाहे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, वो क्या होता है, जो भी उसका सोर्स है, मास है तो मास, चार्ज है तो चार्ज, इंटू पोटेंशियल इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। लेकिन जब भी रिक्वायर्ड वर्क डन की बात करता है, तो रिक्वायर्ड वर्क डन के लिए सोर्स इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। आपके पास इनिशियल इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या था,
जीरो था, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि इसका इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है, फाइनल पोटेंशियल नॉन जीरो है, देन रिक्वायर्ड वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ओके, इनिशियल जीरो था, फाइनल आपको पता ही है, इससे आपके पास वर्क डन आ जाएगा क्या, क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस 1 बाय रूट 5 रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या हो गया, थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट क्वेश्चन, चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू लोकेटेड एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 2a। ओके, पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल एंड ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट पी वेयर ओ पी इक्वल टू वाई, वाई इज ग्रेटर देन 2a। द चार्ज क्यू एक्सपीरियंस्ड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ। इफ चार्ज क्यू इज नाउ मूव्ड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन टू पी डैश सच दैट ओ पी डैश इक्वल टू वाई बाई 3, द फोर्स ऑन क्यू विल बी। देखो, ये एक डाइपोल है और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आपको इधर को दे रखा है, ये डाइपोल मोमेंट है और इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या पढ़ा है, ई इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब, तो वाई क्यूब हो जाएगा। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब फोर्स आपके पास जो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वाई क्यूब, और कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ वाई की पोजीशन चेंज हो, वाई चेंज हो रहा है, चार्ज की पोजीशन चेंज हो रही है, तो नया फोर्स क्या हो गया, एफ डैश बाय एफ इक्वल टू वाई बाय 3 की पावर 3, तो ये 3 ऊपर आएगा, 3 रेस टू पावर 3 कितना हो गया 27, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा, 27 टाइम्स हो जाएगा किसका, ओरिजिनल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, द चार्ज द गिवन ग्राफ शो वेरिएशन विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, ये इसके लिए ग्राफ दिया है। ओके, पोटेंशियल का, अब देखते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक स्फेरिकल शेल है या कंडक्टिंग स्फीयर है, और कंडक्टिंग स्फीयर हो या स्फेरिकल शेल हो जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसके अंदर पोटेंशियल वही होता है जो आउटसाइड होता है, तो डेफिनेटली यही दिया है, अंदर से लेकर आउट सरफेस तक सेम है, और बाहर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो ऐसे ही ग्राफ, इसका मतलब ये ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों के लिए किसी का हो सकता है। देखिए, पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल, सही कह रहा है, ओके, पोटेंशियल है, ये गलत इसमें है, ये क्षेत्र नहीं है, विभव है, हिंदी वाले देख ले। ओके, पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल, फील्ड होता तो फील्ड का ग्राफ ये बनना था, अंदर जीरो होता, ग्राफ ही यहां से स्टार्ट होना शेल के लिए, ओके, और कंडक्टर के लिए। पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, किसी भी स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब एक सॉलिड स्फीयर का, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहां पर आपके पास पैराबोला बनता है, उसके बाद क्या होता है, ये इस तरह का ग्राफ बनता है। ओके, तो ये उसके लिए नहीं है। नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, ये विभव नहीं है भाई, यहां पर क्षेत्र आएगा, ये इंटरचेंज हो गए। ओके, इसके लिए क्या होगा, मैंने अभी बताया ऐसा ग्राफ होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता, फोर्थ तब आता जब ये रहता, थर्ड कब आता जब ये ना रहता, इतना रहता ग्राफ। ओके, तो थर्ड ऑप्शन होता और इसके लिए ऐसा ग्राफ बनता, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंथ क्वेश्चन,
थ्री चार्ज q प्लस क्यू क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्सिस ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोस्केल ट्राइंगल एज शो बिलो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ कॉन्फिगरेशन इज जीरो इफ q. देखिए आइसोस्केल है, मान लो ये a है, ये a है, तो ये कितना हो गया रूट टू. द नेट पोटेंशियल ऑफ सिस्टम विल बी जीरो. तो इसका मतलब इन दोनों पेयर की क्या हुई, के क्यू स्क्वायर बाय ए. इन दोनों की क्या हुई, के क्यू क्यू बाय रूट टू ए. और इन दोनों की क्या हुई, के क्यू क्यू बाय ए और इक्वल टू क्या होगा जीरो. आपको क्यों पूछा है उसने, माइनस क्यू वाला उधर ले जाएं तो इधर क्या बचा क्यू, वन बाय रूट टू प्लस वन इक्वल टू माइनस क्यू. तो आपके पास q की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस रूट टू क्यू बाय रूट टू प्लस वन आ जाएगा. इसका मतलब आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेवेंथ क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंगल ऑफ 45 डिग्री. द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज 10^-29 कूलम मीटर. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी. आपने पढ़ा है जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी डाइपोल को किसी एंगल थीटा पर रखते हैं तो उसके अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. उसकी पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस पी डॉट ई. ऐसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो वहां पर क्या होता है, माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर. क्लियर. तो माइनस पी डॉट ई, तो आपके पास यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पी ई कॉस थीटा. पी आपको कितना दिया है, 10^-29. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है, 10^3. कॉस 45 का मतलब 1/√2. तो 1/√2 का मतलब 0.707 इंटू 10^-26. इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस 7 माइनस 7.07 इंटू 10^-27 जूल आ जाएगा. इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन देखिए. अच्छा क्वेश्चन है. देयर इज अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द ओरिजिन. द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इनिशियली एट रेस्ट एंड स्टार्ट एक्सपेंडिंग बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिपल्सन. जैसे इनमें रिपल्सन हुआ वो एक्सपेंड होने लगे. द फिगर दैट रिप्रेजेंट बेस्ट द स्पीड वी आर टी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ इट्स इंस्टेंटेनियस रेडियस आर टी. मतलब टाइम के साथ उसकी रेडियस चेंज हो रही है और उसके चेंज होने से इसकी स्पीड क्या होगी. राइट, देखिए इसको थोड़ा. आपके पास इनिशियली मैं यहां एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करूंगा. एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी और प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी आपके पास, 1/2 mv2. राइट, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी रेडियस आर हो गई है तो के क्यू स्क्वायर बाय 2r इक्वल टू. इनिशियली ये क्या थी, जीरो, और ये क्या थी, के क्यू स्क्वायर बाय 2r0. इनिशियली कांस्टेंट थी, ये टाइम के साथ एक्सपेंड हो रही है वेरिएबल. आपको v और r का ग्राफ देखना है. अगर मुझे ग्राफ की स्लोप पता लग जाए तो उस केस में मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं. स्लोप का मतलब डीवी बाय डीआर पता करना है. तो मैंने इसका डिफरेंशियल कर दिया. डिफरेंशियल किया तो क्या आया यहां से मेरे पास, ये 1/2 कैंसिल हो गया था. आपके पास इसका डिफरेंशियल क्या आया, 2mv dv/dr इज इक्वल माइनस इसका क्या आ गया, 1/r. 1/r का आ गया के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर और इक्वल टू क्या है, जीरो. आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, dv/dr इक्वल टू
के क्यू स्क्वायर बाय टू एम वी आर स्क्वायर, राइट। वी क्या है, इसकी वेलोसिटी है, जो आपने यहां से पढ़ी वी इक्वल टू क्या पढ़ा, के क्यू स्क्वायर वन बाय आर नॉट माइनस वन बाय आर का बाय एम का रूट आया है। मेरी बात क्लियर? तो इस केस में अगर मैं इस वैल्यू को वहां पुट करता हूं तो आपके पास क्या आ जाता है, के क्यू स्क्वायर बाय टू एम, ये मैं रूट में लिखता हूं तो रूट आर स्क्वायर की वैल्यू का मतलब आर फोर हो जाएगा, ये के क्यू स्क्वायर बाय एम वन बाय आर नॉट इंटू आर फोर, तो आर फोर बाय आर नॉट और माइनस आर क्यू, कुछ ये कहानी बन जाएगी। मेरी बात क्लियर? अब देखो जब टाइम इंक्रीज, टाइम के साथ आर इंक्रीज हो रहा था, जब आर इंक्रीज होगा इसकी ये वैल्यू इंक्रीज होगी, ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो उस केस में इसकी जो स्लोप है कर्व की डी वी बाय डी आर वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब कर्व एक ऐसा कर्व होगा जिसकी स्लोप कंटिन्यूस डिक्रीज होगी, मतलब हमें एक डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व ढूंढना है। तो डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व क्या होगा, देखिए डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व कौन सा है, ये इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व है, नहीं हो सकता, ये पहले इंक्रीजिंग का था फिर डिक्रीजिंग का है, नहीं हो सकता, यहां ये फिर पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा है, नहीं होगा, ये कंटिन्यूस क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13th नंबर क्वेश्चन, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस प्लेस्ड ऑन वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शो इन फिगर। देखिए इसके अंदर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल में पता करना है कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। माइनस क्यू इसके साथ एक डाइपोल बनाएगा पी, और एक माइनस क्यू इसके साथ बनाएगा, दोनों डाइपोल सेम होंगे और उनकी वैल्यू क्या होगी, क्यू इंटू एल होगी। इक्वलेटरल ट्रायंगल होने के कारण ये एंगल 60 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट डेफिनेटली मिड लाइन पर होगा, मिड लाइन नेगेटिव वाई में है और इसकी वैल्यू पी इक्वालेंट हुई। आपको मैंने पहले भी बताया था एक दिन, पी इक्वालेंट की वैल्यू क्या होती है, जब ए और बी दो वेक्टर ऐड होते हैं अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल हो तो उस केस में आप रिजल्ट को लिखते हैं 2a cos थीटा बाय, अब इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है तो P इक्वालेंट आपके पास क्या हो गया, 2P cos 30 डिग्री, एंगल 60 था उसका हाफ क्या हो गया 30, रूट 3 बाय 2, तो रूट 3 P होगा, मतलब रूट 3 QL होगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव Y एक्सिस में होगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा थर्ड माइनस रूट 3 QL J कैप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, 14th में देखिए क्या है, ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग ए चार्ज Q इज सराउंडेड बाय एन अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ये कोई सॉलिड स्फीयर था, इस पर चार्ज Q है, इसके सराउंडिंग कोई एक और स्फीयर रख दिया, राइट। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है और वो कह रहा है कि अगर बाहर वाले को प्लस माइनस 4Q चार्ज और दे दें, आउटर वाले को कितना भी चार्ज दे दे, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा, किसके कारण, आउटर वाले के कारण। क्यों? क्योंकि आउटर वाले को जब आप चार्ज दोगे तो स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जब कांस्टेंट है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर इस माइनस 4Q के कारण पोटेंशियल सेम होगा, तो डिफरेंस वही रहेगा जो पहले प्लस क्यू के कारण था, तो पहले V था तो अब भी क्या रहेगा, V रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके इसे याद रखना, जब भी बाहर वाले सफेद शेल को कोई चार्ज देते हैं उसके कारण उसके अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होता, हाँ अगर इनर वाले को कोई चार्ज देते तो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हो जाता। ओके पोटेंशियल में चेंज हो जाता है, डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15th नंबर, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज
विद ए सेपरेशन डी द चार्ज हैव द सेम मास एम इट इज कैप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ स्लाइटली रोटेटेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल की SHM की बात कर रहा है। जब आप कोई डाइपोल को यहां रखते हो अपोजिट चार्ज है ये डाइपोल होंगे ओके एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू इनको एक स्लाइट एक छोटे से एंगल से जब आपने रोटेट किया है तो उस केस में क्या होगा इस पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क क्या होता है टो इक्वल टू माइनस पी ई साइन थीटा हो आप इसको क्या लिखते हैं आई अल्फा इक्वल टू माइनस पी ई थीटा होगा अल्फा थीटा के जस्ट अपोजिट है तो इसे आप लिख सकते हैं अल्फा वेक्टर इक्वल टू माइनस पी ई बाय आई ये होता है ओमेगा स्क्वायर आपने SHM पढ़ा होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी रूट पी ई बाय आई हो जाएगी। अब पी क्या है इनका डाइपोल मोमेंट कितना है क्यू ई एल क्यू एल हो गया ना जब क्यू डी है जो भी दिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे ये लेंथ भी एल बाय टू है ये भी एल बाय टू एक मास एम इधर रखा है एक इधर रखा है तो किसी पॉइंट मास का एक्सेस से आर डिस्टेंस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एम आर स्क्वेयर इसका एम एल स्क्वेयर बाय फोर इसका भी एम एल स्क्वेयर बाय फोर कंबाइंड क्या हो गया एम एल स्क्वेयर बाय टू एल से एल कैंसिल हो जाएगा ये टू ऊपर जाएगा टू क्यू ई बाय एम एल एल की जगह हमें डी दिया हुआ है तो क्या रिजल्ट आ गया टू क्यू ई बाय एम डी का रूट आ जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16th नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आपको दिया एक पॉजिटिव चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम ए पॉजिटिव लाइन चार्ज विद अ यूनिफॉर्म डेंसिटी द स्पीड वी ऑफ द पॉइंट चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस आर देखो यहां से इसको रिलीज किया है यह भी पॉजिटिव है यह भी पॉजिटिव डेफिनेटली ये बाहर की ओर जाएगा किसी डिस्टेंस आर पर चला जाएगा उस केस में इसकी स्पीड पूछी है अगर मेरे पास ये इनिशियल पॉइंट है ये पॉइंट फाइनल है इनका पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो मैं वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा किसी भी वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 2k λ/r होता है तो इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया माइनस ई डी आर हो जाएगा माइनस 2k λ/r dr जब आप इसका पोटेंशियल निकाल लोगे डी वी इक्वल टू माइनस 2k λ/r इंटू डी सॉरी डी आर बाय आर कहां से आर नॉट से लेकर के आर तक इंटीग्रेट करते जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे आपके पास क्या रिजल्ट आया वी इनिशियल और वी फाइनल यहां से आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास रिजल्ट आएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू माइनस 2k λ इसका क्या आया लॉग ई आर लॉग ई आर में अपर लिमिट आर माइनस लोअर लिमिट लॉग आर नॉट तो लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिखते हैं लॉग ए बाय बी तो आपके पास लॉग आर बाय आपको पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन क्या है क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस फाइनल या वर्क डन किसका लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क डन क्या होगा Q into V initial minus final equal to change in kinetic energy final ये है initial zero थी जब ये minus लेंगे तो इसको उल्टा करके लिखेंगे initial minus final positive हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं V square is directly proportional हो जाएगा किसके 2 ये positive हो गया 2k λ इसने केवल log की बात की है log R by R naught तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके रूट लॉग R बाय R नॉट आंसर क्या होगा सेकंड हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन इन ए रीजन
द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट ए एंड बी इफ द पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू वन वी वन एंड एक्स टू इक्वल टू वी टू देन वी वन माइनस वी टू। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई डी एक्स। ई क्या है आपके पास, माइनस 20x और प्लस 10 dx। क्लियर, आप लिख सकते हैं जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 20x प्लस 10 dx। कहां से, जब आप 1 कहते हैं x की वैल्यू तो ये v1 था, जब माइनस 5 लेंगे तो ये क्या होगा v2। आपके पास इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, v2 माइनस v1 इक्वल टू माइनस ये 10x² आ जाएगा, x² बाय 2 से कैंसिल हो गया, तो 10x², x² क्या है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, और प्लस 10x आ जाएगा, तो 10x क्या है, माइनस 5 और माइनस 1। आपके पास क्या आया, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस 240 माइनस 60 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 180 आ गया। क्या आया है, v2 माइनस v1 पूछा क्या है, v1 माइनस v2 पूछा है, तो प्लस 180 आ जाएगा, आंसर क्या होगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है। ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एज शो, डी इज ग्रेटर देन डी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज बेस्ट गिवन बाय। ओके, देखिए आपके पास ये 3 चार्जेस हैं और इनकी टोटल एनर्जी क्या होगी, तीनों के अलग अलग सम के इक्वल हो जाएगी, क्या होगी, देखिए यू इक्वल टू इन दो की क्या हुई, माइनस क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई। इस और इसकी क्या हुई, ये डी यहां से है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी प्लस डी बाय 2 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी माइनस डी बाय 2 हो जाएगी। तो आपके पास क्या होगी, इन दोनों की एनर्जी क्या हुई, प्लस क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आया, डी प्लस डी बाय 2, और माइनस इस वाले की क्या हुई, क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस डी बाय 2। क्लियर, अब देखिए इसका अगर मैं रिजल्ट निकाल लूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए यू इक्वल टू ये डी था सर, ये डिस्टेंस डी है, तो आपके पास क्या आ गया, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी प्लस क्यू क्यू कॉमन आया, इसमें अंदर क्या बचा, 1 बाय डी प्लस डी बाय 2 और माइनस 1 बाय डी माइनस डी बाय 2। आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी प्लस क्यू क्यू, एलसीएम आ गया यहां से, डी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर बाय 4, तो यहां से डी माइनस डी बाय 2 और माइनस डी और माइनस डी बाय 2, ये कैंसिल हो गया, डी बड़ा है डी से तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे डी स्क्वेयर के कंपैरिजन, आपके पास क्या आ गया, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू स्क्वेयर बाय डी, यहां से माइनस डी बचा तो माइनस क्यू क्यू डी बाय डी स्क्वेयर आ जाएगा, कोई ऐसा ऑप्शन है तो देखिए, माइनस क्यू स्क्वेयर बाय डी माइनस क्यू डी डी बाय डी स्क्वेयर माइनस क्यू क्यू डी बाय डी स्क्वेयर, आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19th क्वेश्चन देखिए, आपके पास 4 चार्जेस हैं, उनको रखा गया है, वो पूछ रहा है कि डी की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर देन डी है तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा। ओके, देखिए एक बार क्या होगा, आपको चार्ज दिए हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 19,
आपको चार्ज दे रखे हैं, इसने दो चार्ज दिए हैं, एक माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस टू डी माइनस डी और प्लस डी, और देखिए यहां पर एक प्लस डी पॉइंट है, इस प्लस डी पर आपको चार्ज दिया है प्लस क्यू, ये डिस्टेंस डी है, ये फिर माइनस डी पर भी आपको चार्ज दिया है प्लस क्यू, फिर टू डी पर आपको चार्ज दिया है माइनस क्यू, और फिर आपको माइनस टू डी पर भी क्या चार्ज दिया है माइनस क्यू। ओके, अब आपसे इसके किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, देखिए इनके लिए क्या होगा, पहले ये देखिए इन दो के लिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को था E1, और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को था E1, तो इनके कारण रिजल्टेंट जो था आपके पास वो इधर होगा, और वो कितना होगा 2E1 cos थीटा होगा अल्फा से, ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, क्लियर। अब देखिए दूसरे के कारण, इनके कारण देखें इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा E2, नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण भी इधर को होगा, ये एंगल मान लो बीटा है आपके पास, ये एंगल भी क्या है बीटा है, तो रिजल्टेंट आपके पास इधर को होगा, और कितना होगा आपके पास 2E2 cos बीटा होगा। अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ये डिस्टेंस डी है, ये स्मॉल डी, ये आपके पास R1 है और ये डिस्टेंस R2 है, क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है आपको, तो इसके कारण क्या हो गया, पहले वाले के कारण देखिए नेट E क्या हो गया, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, तो 2E1 क्या है KQ/R1² × cos α क्या है D/R1। ओके, माइनस KQ/R2² है और इसके कारण D/R2, तो आपके पास क्या हो गया 2KQD, पहला क्या है 1/R1³ और माइनस R2। अब D बहुत बड़ा है, R1 क्या है आपके पास, R1 ये है D² + D² की पावर आधी है, और उसके लिए ये डिस्टेंस क्या दी थी आपको 2D दी थी, तो ये 2D के लिए R2 क्या हो गया आपके पास D² + 4D² हो जाए। जब मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास E की वैल्यू क्या आ जाती है KQD 2KQD × 1/ पहले वाले के लिए क्या है D² + D² raised to power 3/2 -1/D² + 4D² raised to power 3/2। जब आप D को कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास क्या होगा 2KQD/D² कॉमन आएगा, 3/2 से टूटकर D³ आएगा, अंदर क्या बचा 1+D² / D² की पावर 3/2 है, और -1/1+4D² / D² की पावर 3/2। आपको पता है डी बहुत बड़ा है कैपिटल वाला, तो आप यहां बाइनोमियल थ्योरम लेंगे, तो बाइनोमियल में 1+X^n को 1+NX लिखते हैं, आपके पास क्या आ गया KQ/D² ना, तो यहां से आपके पास क्या आ गया 1/1+3D² / 2D² -1/1+12D² / 2D² जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आया 2KQD² ये इधर आएगा ये इधर आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा,
इधर 12d² / 2d², इधर 3d² / 2d², तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर आया 9d² / 2d². और जब इनका एलसीएम लेकर प्रोडक्ट करते हैं तो ये आएगा 1 + 15d² / 2d² और प्लस ये 36d² / 4d². आपको पता है कैपिटल डी बड़ा है तो ये मैं दोनों नेगलेक्ट कर देता हूं, दोनों ही नेगलेक्ट कर दिए, मेरे पास यहां से रिजल्ट क्या मिल गया, ये 9d² / 2d² और डी स्क्वेयर क्या हो गया, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d⁴ आ जाएगा। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन अगर आ रहा है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d⁴, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग ऑफ रेडियस 3a एंड टोटल चार्ज q इज प्लेस्ड इन xy प्लेन सेंटर्ड एट ओरिजिन। ए पॉइंट चार्ज q इज मूविंग टुवर्ड द रिंग अलोंग द जेड एक्सिस, हैज द स्पीड v एट जेड इक्वल टू 4a, द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सच दैट इट क्रॉस द ओरिजिन। देखिए आपके पास जब इस रिंग के जिसकी रेडियस आपके पास 3a है, 4a से किसी को प्रोजेक्ट करोगे तो उस केस में क्या है, इसका चार्ज भी पॉजिटिव है और उस चार्ज का भी पॉजिटिव है, तो वो रिंग इसे रिपल करेगा। हम इतनी वेलोसिटी दें कि इस फाइनल पॉइंट पर आकर के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इनिशियल पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, वी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू पता कर, मिनिमम के केस में क्या होगा, जब यहां मिनिमम होगी तो यहां 0 हो जाए। आपको पता है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, और वर्क डन क्या होगा, क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी इक्वल टू फाइनल 0 - 1/2 m v² हो जाएगा। क्लियर। इसका मतलब आप लिख सकते हैं v² इक्वल टू 2q/m, इस माइनस को मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या हो गया, v फाइनल माइनस v। आपको v फाइनल का मतलब इसका सेंटर की बात कर रहा है, और रिंग के सेंटर पर आपके पास पोटेंशियल क्या होता है, kq/ उसकी रेडियस मतलब 3a, और v इनिशियल का मतलब उसकी एक्सेस पर, एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, kq/√r² + x² या z² जो भी डिस्टेंस दी हो। जेड की वैल्यू आपको 4a दी है, तो आपके पास v इनिशियल इक्वल टू kq/√ इसका स्क्वेयर क्या हो गया, 9a² + 16a² तो आपके पास आ गया ये kq/5a आ जाएगा। क्लियर। उस केस में आपके पास v² की वैल्यू क्या है, 2q/m, 2q/m इंटू kq कॉमन 1/ फाइनल में क्या था 3a और इनिशियल में क्या है 5a, राइट। तो उस केस में आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 2/m इंटू 2q² / 4πε₀ इंटू 1/15a√, कोई ऐसा आंसर आ जाएगा। ओके तो देखिए रूट 2m 2/15 4πε₀ a³, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, इसका फोर्थ हो जाएगा। इसने अलग अलग लिख दिया, रूट 2/m को रूट लिख दिया, इसको 1/2 जिसका मतलब भी रूट होता है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 देखिए। आपको एक सिंपल पेंडुलम दिया है, दो प्लेट्स के बीच में है, इसका मास m दिया है, तो इस पर दो फोर्सेज लगेंगे। देखिए एक तो नीचे को क्यू ई लगेगा और एक सॉरी नीचे को इसका एम जी लगेगा, एक तो वेट इस पर, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण इधर को, जिससे इसका नेट फोर्स क्या होगा, जिसे आप एम जी इफेक्टिव लिखते हैं, एम जी इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा, एम जी का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर। ओके
आपके पास यहां से जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा? आपके पास जी इफेक्टिव आएगा जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल का रूट आ जाएगा। ये आपके पास जी इफेक्टिव है तो टाइम पीरियड क्या होता है? टी इक्वल टू टू पाई रूट एल बाय जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव की वैल्यू पुट करोगे आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22। अपने पास ये क्वेश्चन है, इसमें एक मिस्टेक है, यहां पर ये माइक्रोग्राम नहीं है, ये मिलीग्राम है, 4 मिलीग्राम है ना। इस मिलीग्राम को आप ग्राम में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 × 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। और इस ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो 10⁻⁶ किलोग्राम आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो उसने कहा है कि ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा ना। वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल इनिशियल माइनस पोटेंशियल फाइनल और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2। आप कह सकते हैं यहां से के क्यू बाय आर वन, तो आपके पास के क्यू स्क्वायर 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू 1/2 mv2 आ जाए। आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? 1/2 m कितना है? 4 × 10⁻⁶ v² इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। चार्ज दोनों सेम है, 1 μC है तो 10⁻¹2 डिस्टेंसेज मिलीमीटर में है, तो जब मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ कॉमन आ जाएगा। एक 1 है, एक 1/9। आपके पास ये 2 से कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचा? 2 × 10⁻⁶ v² इक्वल टू 8/9 आएगा, 9 से 9 कट गया तो 8 बच जाएगा। तो v स्क्वायर आपके पास क्या आ गया? 4 × 10⁻⁶ हो जाएगा। तो v की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 2 × 10⁻³ m/s आ जाएगा। तो 2 × 10⁻³ m/s हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 के बाद 23 देखिए। ए पॉइंट डाइपोल पी नॉट एक्स कैप इज कैप्ट एट ओरिजिन, द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस डी। देखिए यहां पर आपके पास कोई डाइपोल पड़ा है और डाइपोल की डायरेक्शन किधर दी है? उसने माइनस पी नॉट एक्स है, मतलब इस डायरेक्शन में है ये पी नॉट। ये इक्वेटोरियल लाइन पर है तो इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल तो जीरो होता है, आपको पता है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? के पी कॉस थीटा बाय आर। थीटा क्या है? एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। इक्वेटोरियल के लिए जीरो होगा, सॉरी 90 डिग्री होगा, जिससे वी जीरो हो जाए। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट होता है, इधर होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए अगर P की टर्म में देखेंगे तो P की टर्म में तो होगा E वेक्टर इक्वल टू माइनस P वेक्टर बाय 4πε₀d³ होता है। P के नेगेटिव है, X के पॉजिटिव में है, तो लेकिन इसने P की टर्म में पूछा है तो P की टर्म में इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। अगर P वेक्टर की जगह X कैप लगा होता तो आंसर ये आ जाता, क्योंकि इसमें पॉजिटिव होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। शो इन फिगर ए शेल मेड ऑफ ए कंडक्टर, इट इज हैज इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी एंड कैरीज चार्ज क्यू एट इट सेंटर ए डाइपोल एज शो। यहां पर कोई चार्ज क्यू है। इन दिस केस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ ए शेल इज जीरो एवरीवेयर। जब डाइपोल पड़ा है तो उसके कारण अंदर चार्ज इंड्यूस होगा, इंड्यूस होने के कारण वो जीरो नहीं होगी। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू q/2 4πa²। अंदर यूनिफॉर्म भी नहीं होगी, डाइपोल का इधर चार्ज पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स अपॉन पी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन पी। पी वेक्टर पर डिपेंड नहीं करेगी, इसके ऊपर भी डिपेंड
करेगी. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज द सेम एज दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट द, हाँ देखो इंड्यूस चार्ज के कारण नेट जीरो हो जाएगा बाहर किसी भी पॉइंट पर, नेट फील्ड इसके कारण होगा. ठीक ऐसा ही कि अगर इसके सेंटर पर चार्ज क्यू रखकर आर डिस्टेंस पर पूछें तो उसके इक्वल होगा. आंसर शुड बी फोर्थ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25. लेट ए टोटल चार्ज टू क्यू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विद चार्ज डेंसिटी गिवन रो आर इक्वल टू के आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू पॉइंट चार्ज ए एंड बी ऑफ माइनस क्यू ईच आर प्लेस्ड ऑन डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर इफ ए एंड बी डोंट एक्सपीरियंस एनी फोर्स देन. देखिए क्वेश्चन अच्छा है, आपके पास कोई स्फेयर है, इसकी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दी है और इसके अंदर इसने सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर दो पॉइंट चार्ज भी दिए. एक पॉइंट चार्ज यहां दिया है माइनस क्यू, एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू यहां दिया है. ये सेंटर है ओ, ये डिस्टेंस भी ए है और ये डिस्टेंस भी ए है. लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट देखिए, इसने अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है रो आर इक्वल टू के आर दिया है आपको. ओके, रो आर इक्वल टू के आर. तो अगर मैं इसके अंदर एक स्फेरिकल शेल की बात करूं, ये कोई शेल है जिसकी डिस्टेंसेज इसके सेंटर से आर है और इसकी थिकनेस डी आर है, तो इस पर चार्ज कितना होगा आप क्या लिख सकते हो, डी क्यू इक्वल टू डेंसिटी क्या है के आर और इसका एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर डी. ओके, अब देखिए इसमें अगर मेरे को इसके चार्ज इतना दिया है उस केस में आर डिस्टेंस पर चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू ना, कहां से जीरो से आर तक आप इंटीग्रेट करोगे आर क्यूब क्या आएगा, आर 4/4 हो जाएगा जिससे 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई के आर 4 इसका रिजल्ट आ जाएगा. मेरी बात क्लियर. अब देखिए इतना चार्ज है तो इसके अंदर आर डिस्टेंस पर आपके पास पोटेंशियल फील्ड कितना होगा. अब देखो सबसे पहले फोर्स एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर रहे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर को फोर्स लगेगा क्यू, एक फोर्स इन दोनों के कारण आपस में लगेगा एफ और ये दोनों फोर्स बैलेंस करेंगे. ओके, इस केस में क्या है एफ बैलेंस होगा किसके कारण, क्यू ई के कारण. ई क्या है, इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पर आपको पता करना है. मेरी बात क्लियर. सेंटर से आर डिस्टेंस पर फील्ड क्या होगा, ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा. आर आपको दे रखा है कितना, के इंटू पाई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहां से अंदर किसी पॉइंट पर पहले फोर्स की बात कर रहे थे, फोर्स क्या हो गया यहां पर F इक्वल टू क्यू ई होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर किसी पॉइंट पर क्या होगा, K Q बाय R स्क्वायर. R आपको पता करना है, R आपके पास A दे रखा है, कितने डिस्टेंस पर है A डिस्टेंस पर. मेरी बात क्लियर. तो उस केस में आप यहां पर एक बार R स्क्वायर लिख सकते. इस K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 pi epsilon naught और इस क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, पाई के आर 4 और ओवर क्या हो गया आर स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपके पास क्या हो गया के आर स्क्वायर ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट. ओके, आप के आर की वैल्यू सेंटर से ए रखेंगे तो क्या हो गया के ए स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट. मेरी बात क्लियर. लेकिन के क्या है, क्योंकि आपको इसके जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें के कहीं यूज नहीं हो रहा, आर की टर्म में है. इसका मतलब इसने कहा टोटल चार्ज टू क्यू डिस्ट्रीब्यूट था तो मैं के की वैल्यू निकाल लूं, तो मैं यहां से देख सकता हूं टोटल चार्ज क्या है 2q, कब है जब रेडियस आर थी, तो पाई के इंटू आर 4. इसका मतलब के की वैल्यू आपके पास क्या है 2k/πr4. इसको जब मैं यहां पुट करूंगा तो उस केस में मेरे पास
e की वैल्यू क्या आ जाएगी, e इक्वल टू क्या आया यहां से, k a स्क्वायर बाय 4 था, k की वैल्यू रख देंगे, क्या आ गया 2q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 4 इंटू ए स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ गया, e की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से देखिए फोर्स क्या होगा दोनों के बीच, उसकी बात करें, मैं इसका यूज करूं तो 1/4πε0q² / 2a² इक्वल टू 2qa² / 4πε0r4 इंटू चार्ज क्यू। ओके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी और क्यू आपको रखना ही था। आपके पास क्लियर दिख रहा है 4πε0 से कैंसिल, q² से q भी कैंसिल हो गया, राइट। आपके पास उधर लेकर गए तो ये 2a² कितना हो गया, r4 इक्वल टू क्या आ गया, 2 का 4 टू 8a² आ जाएगा। क्लियर, आपको इसके रिलेशंस पता करने थे और रिलेशंस आपको दे रखे हैं ऑप्शंस में, क्या दिया है, ए और आर की टर्म में दे रखे हैं। ओके, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, आर की वैल्यू, ए की वैल्यू पूछी है तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1/8r4 आ जाएगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए फोर हो गया, सॉरी ये ए कितना हो गया, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू r/8^1/4 रिजल्ट आ जाएगा। इसे ऐसा लिखा हुआ है a^(8^-1/4)r, कहने का मतलब इसमें फोर्थ आंसर आपको दे रखा है। ओके, क्वेश्चन निकालिए, फोर्थ आंसर आपको दिया हुआ है a^(8^-1/4)r आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू इनफाइनाइट प्लेन्स ईच विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा आर कैप्ट इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन शो बिटवीन देम इज गिवन बाय, देखिए आपको प्लस सिग्मा के दो प्लेन दिए हैं, ये आपको इस तरह से दो प्लेन दिए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों में एंगल 30 डिग्री दिया है, ये प्लस सिग्मा है, ये भी प्लस सिग्मा है, मान लीजिए ये एक नंबर है और ये दो। अब इनके बीच में इस पॉइंट पर फील्ड पता करना है आपको, तो इस पॉइंट पर फील्ड पता करने के लिए यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये पहले वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1 = E, राइट। ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये आपके पास 60 हो गया, कहने का मतलब इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये हो जाएगा इसका E/2 और ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका √3E/2। दूसरा देखिए, इसके कारण जब आप पोटेंशियल फील्ड देखोगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये हो गया, ये E2 = क्या है, E। अब आपको इनका रिजल्टेंट पता करना है, E पता ही आपको σ/2ε0 हो जाएगा। ओके, एक्स एक्सिस में ये एक्स एक्सिस दे रखा है आपको और ये वाई एक्सिस दे रखा है, क्लियर। एक्स में केवल एक ही फील्ड है और वो भी किधर है, नेगेटिव में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिखोगे, E⃗ = क्या लिखते हैं, E/2 x⃗, और वो भी कौन सा, नेगेटिव वाला, और एक्स वाई के अंदर क्या है, पॉजिटिव में ई है और नेगेटिव में √3/2 है, और ये कितना है, वाई कैप। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू है σ/2ε0 - 1/2 x⃗ और +1 √3/2 y⃗, जैसा कोई आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें आंसर क्या दिया है, σ/2ε0 - x⃗2
माइनस एक्स बाय टू और वाई क्या है 1 माइनस रूट 3 बाय टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इनफाइनाइटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ द फॉर्मूला ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए इज एप्लीकेबल इन द फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ए इज द एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस एंड क्यू इनक्लोज्ड इज द क्यू इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सरफेस दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस only when the Gaussian surface is an equipotential surface and E vector is the constant on the surface. For any choice of Gaussian surface, only when the Gaussian surface is an equipotential surface, only when E vector is constant on the surface. देखिए इसका आप कब यूज करते हैं, नंबर वन गाउसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पर फील्ड भी सेम होना, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और उसका पोटेंशियल सेम होना चाहिए, कहने का मतलब सिमेट्री में यूज करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 28, कंसीडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड मास डेंसिटी रो आर इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वेयर आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर द मिनिमम डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इन विच इट विल फ्लोट इज, सॉरी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स बाय मिस्टेक इट इज प्रिंटेड हियर। Now we will discuss about this question. In this question given that the mass density of a body is rho r equal to rho naught 1 minus r square by r. It float in liquid. From the law of flotation, we know that the weight of body is always equal to the buoyancy force. Okay? Buoyancy force is taken as density rho or taken sigma, buoyancy force is sigma Vg, V is the total volume of body, then in the case of flotation, sigma Vg is equal to mg, g se g cancel, then sigma will be m by V, okay? To find the density of a fluid, we required the mass of a sphere. In question, the mass density of sphere is given. For unit volume, the density rho r equal to rho naught 1 minus r square by r square. Okay. To find the mass, we taken an element, a spherical element of radius r and thickness dr. Then the value of this element dv is equal to 4 pi r square dr. Then the mass of this elemental part dm is equal to rho into dv. What is rho? Rho is rho naught. Then 4 pi rho naught into r square minus r raised to power 4 by r square dr. Okay. Then to find the total mass, we integrate dm from 0 to r, then m equal to integration 4 pi rho naught integration r square minus r 4 by r square dr from 0 to r. Okay, then 4 pi rho naught r cube by 3 minus r 5 by 5, then 8 pi r 5 by r square, then it is also r cube, 8 pi rho naught r cube by 15. Okay, then from this equation 1, sigma equal to m by total V volume, 8 pi rho naught r cube by 15 over 4 pi r cube by 3, then ये cancel हो गया 2 से, r cube से r cube cancel, pi से pi cancel, ये cancel 5 से, then आप लिख सकते हैं sigma is equal to 2 rho naught by 5. Okay, in question देखिए,
टू रो नॉट बाय फाइव, टू रो नॉट बाय फाइव आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। थ्री चार्ज पार्टिकल ए बी सी विद चार्ज माइनस फोर क्यू प्लस टू क्यू माइनस टू क्यू आर प्रेजेंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस डी। द चार्ज पार्टिकल ए सी एंड सेंटर ओ ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शो इन द फिगर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज। देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस पर अगर मैं बात करूं प्लस टू क्यू के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और माइनस टू क्यू के कारण भी इधर को होगा और प्लस माइनस फोर क्यू के कारण इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो टू क्यू के कारण भी इधर और माइनस टू क्यू के कारण भी इधर, तो आप कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस टू क्यू के कारण क्या हुआ के क्यू टू क्यू बाय डी स्क्वेयर और इसके कारण के टू क्यू बाय डी स्क्वेयर, दोनों का सम क्या हो गया आपके पास, ये हो जाएगा ई वन इक्वल टू फोर के क्यू बाय डी स्क्वेयर और इधर भी इस फोर क्यू के कारण होगा कितना हो जाएगा वही ई टू इक्वल टू फोर के क्यू बाय डी स्क्वेयर और ये एंगल भी 30 है ये भी 30 है तो उस केस में इनका रिजल्टेंट यहां होगा और रिजल्टेंट को क्या लिख सकते हैं 2e1 cos 30 लिख सकते हैं। cos 30 का मतलब रूट थ्री बाय टू तो रूट थ्री टाइम्स हो जाएगा e1 का। ओके तो आप लिख सकते हैं e1 का रूट थ्री टाइम्स और ये कितना है इसको अगर वैसे लिखें तो q बाय पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 कैंसिल हो गया, इसका रूट थ्री टाइम्स क्या हो गया आपके पास ये आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ देयर इज नो अदर फोर्स ऑन द पार्टिकल। द डिपेंडेंस ऑफ इट्स वेलोसिटी वी ऑन द एक्स डिस्टेंस एक्स ट्रेवल बाय इट इज करेक्टली गिवन बाई ग्राफ्स। देखिए आपको पता है जब फोर्स कॉन्स्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स, तो आप लिख सकते हैं वी स्क्वेयर इक्वल टू टू ए एक्स हो जाएगा, मतलब वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स जैसा ग्राफ होगा जो कैसा होता है कुछ ऐसा हो जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। कंसीडर टू चार्ज मेटालिक स्फीयर्स S1 एंड S2 ऑफ रेडियस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 ऑन देयर सरफेसेस आर सच दैट E1 बाय E2 इक्वल टू R1 बाय R2। देन द रेशियो ऑफ V1 ऑन S1 टू V2 ऑन S2 ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन ईच स्फीयर इज। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो दिया है, आपको पता है किसी भी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर क्या होता है एप्सिलॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आप लिख सकते हैं ई वन बाय ई टू इक्वल टू क्या होगा सिग्मा वन बाय सिग्मा टू और उसकी वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में क्या है आर वन बाय। अब अगर मैं सरफेस पर पोटेंशियल की बात करूं किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, देन V1 बाय V2 आपके पास क्या हो गया सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इंटू आर वन बाय सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 को R1 बाय R2 लिखेंगे तो ये क्या हो गया R1 बाय R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो R1 बाय R2 का होल स्क्वायर मतलब आंसर क्या हो गया थर्ड आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, कंसिडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विच कैरीज ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। इफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर बाय टू इज कर्व्ड आउट ऑफ इट एज शो द रेशियो ई ए बाय ई बी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए वैक्टर एंड ई बी वैक्टर रेस्पेक्टली एट पॉइंट ए एंड बी ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन। देखो इसके अंदर ये आपके पास एक स्फेरिकल रीजन है और ये आपके पास पूरा स्फीयर था, इसमें से आपने एक आर बाय टू रेडियस का पार्ट रिमूव किया है,
इसके कारण आपको इस ए पॉइंट पर और इस बी पॉइंट पर आपको मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, इसकी रेडियस आपके पास क्या है, आर है। तो उस केस में आप इसका वैल्यू कैसे निकाल लोगे, देखिए। अब देखिए, आपको पता है किसी भी स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इनसाइड क्या होता है, रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट होता है। ई सरफेस पर क्या होता है, रो कैपिटल आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट होता है। ई आउटसाइड आपके पास क्या होता है, अगर रेडियस आर है, आप उसे स्मॉल आर डिस्टेंस पर देख रहे हैं, रो आर क्यूब बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। क्लियर। अब इसमें से डेंसिटी सेम का रिमूव किया गया है, उस केस में ए पॉइंट के लिए क्या होगा, देखिए ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई ए इक्वल टू ओरिजिनल का कितना था, पूरे सफेयर के लिए आर रेडियस के लिए सेंटर पर क्या होता है, जीरो, तो कितना था, जीरो माइनस रिमूव कितना कर दिया, इतने का इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव कर दिया। इस रिमूव्ड पार्ट के लिए ए क्या है, उसका सरफेस है, आर बाय टू रेडियस के स्फेरिकल सरफेस को जब रिमूव किया तो कितना फील्ड आपने रिमूव कर दिया, देखिए रो सरफेस रेडियस कितनी थी, आर बाय टू बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, रो आर बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट आ गई। माइनस आर का मतलब क्या है, ये उधर की ओर होगा, ओके। इसकी रेडियस आर इधर है, रिमेनिंग के कारण आर बाय टू के सेंटर की ओर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन, ओके। फर्स्ट वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर एट बी एंड देन वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमूव्ड पोर्शन, ओके। देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ओके। नाउ वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू द कंप्लीट स्फीयर, द बी पॉइंट इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज ई बी डैश इक्वल टू रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, ओके। दिस पॉइंट बी इज आउटसाइड पॉइंट फॉर द रिमूविंग पार्ट, ओके। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमूविंग पार्ट एट बी क्या हो गया, ई बी डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, इसकी रेडियस आर बाय टू है, फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, फॉर्मूला पढ़ा था ये होगा आउटसाइड के लिए, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, रो रेडियस क्या है, आर बाय टू रेज टू पावर थ्री, और डिस्टेंस देखिए इसके सेंटर से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये आर थी तो ये आपके पास हो गया थ्री आर बाय टू। क्लियर। तो आपके पास फॉर्मूला था रो आर क्यू बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो थ्री एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मतलब थ्री आर बाय टू का स्क्वायर, राइट। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, यहां से रो आर क्यूब ओवर एट बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट नाइन आर स्क्वायर बाय फोर। अगर मैं इसका सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, रो आर क्यूब बाय एट, इस फोर से ये कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ गया, नाइन ट्वेंटी सेवन और फिफ्टी फोर, तो आ गया रो आर बाय 54 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्लियर। अब ईबी क्या है, ईबी इन दोनों का डिफरेंस है, ईबी क्या है आपके पास, ईबी इन दोनों का डिफरेंस है, किसका, ईबी डैश ओरिजिनल के कारण था, उसमें से आपने रिमूविंग पार्ट का फील्ड रिमूव कर दिया, ओरिजिनल का कितना था आपके पास, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर बाय 54 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 17 रो आर बाय 54 एप्सिलॉन। क्लियर। आपसे पूछा है ई ए के मॉड और ई बी के मॉड का रेशियो पूछा है,
तो ई ए का मॉड क्या हो गया, रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट ओवर 17 रो आर बाय 54 एप्सिलॉन नॉट। ये रो आर से रो आर कैंसिल, 54 रो आर से रो आर, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, आपके पास क्या बच गया, 1/6 इंटू 54/17, ये आ गया 18/34 आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, 18/34। तो 18/34 आंसर विल बी सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पी वेक्टर इज -i -3j+2 के इंटू 10^-29 एंड आर वेक्टर इक्वल टू i+3j+5 के, नॉट दैट, देखो ये दे दिया, ना भी देता तो आपको पता करना पड़ता। r cap dot p vector equal to 0, it means r vector is perpendicular to p vector. इसका मतलब मेरे पास ये डाइपोल है और इससे परपेंडिकुलर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इसका मतलब ये पोजीशन क्या होगी, इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन होगी, एंड एट इक्वेटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अपोजिट टू द डाइपोल। आप लिखते हैं ई वेक्टर इक्वल टू -kp वेक्टर - r³। पी वेक्टर क्या है, -i -3j+2k, इसका नेगेटिव क्या हो गया, इसका नेगेटिव हो जाएगा +i +3j और -2k हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, किसमें, i+3j -2k। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। देखिए 34 क्वेश्चन में काफी प्यारा क्वेश्चन है, ई वेक्टर इक्वल टू 4xi-y²+1j। पासेस थ्रू द बॉक्स शो इन फिगर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सर्फेसेस ABCD। ये रहा ABCD, ये सरफेस, इसका एरिया किधर होगा, डेफिनेटली इधर होगा जेड एक्सिस में। तो आप कह सकते हैं इसका एरिया वेक्टर किधर है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, AK कैप होगा। और दूसरा कह रहा है सरफेस BG BC GF, इसका एरिया किधर होगा, ये एक्स एक्सिस में है, तो इसका एरिया ये हो गया ए वेक्टर इक्वल टू AI कैप। इससे निकलने वाला फ्लक्स φ1 है, इससे निकलने वाला फ्लक्स φ2 है, तो आपको कह रहा है कि इनका डिफरेंस कितना होगा। क्लियर, अब देखिए φ1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई और जे में है, आपको पता है फाई क्या होता है, ई डॉट ए ना, ए क्या है, टोटली जेड एक्सिस है, तो k cap dot i cap 0, k cap dot j cap 0, तो इसका मतलब φ1 आपके पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, तो इसका मतलब आपको आई कैप का यूज करना है, तो φ2 क्या हो गया आपके पास, i cap dot j क्या हो गया, 0, तो आपके पास क्या हो गया, 4xa आ जाएगा, 4xa आ जाएगा, मेरी बात क्लियर। अब इसका एरिया कितना होगा, ये इसकी 2 है और ये भी इसकी 2 है, देखो ना 3 2 और 3 0 0, तो ये डिस्टेंस 2 होगी, यहां से देखो 3 2 2 3 2 2 2, तो ये भी कितनी होगी, 2, तो एरिया कितना हो गया इसका, 2 into 2 4 हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, यहां x की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 3,
तो आपके पास 4 इंटू एक्स कितना है 3 इंटू एरिया कितना है 4 इक्वल टू क्या हो गया 48। तो इनका डिफरेंस भी क्या आ जाएगा आपके पास 48 इसका आंसर आ जाएगा। ओके तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सॉल्यूशन। थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं अगला टॉपिक लेकर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके थैंक यू।